तो दोस्तों इंटरेस्ट के इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन इस टाइप के आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन है, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दोस्तों 6,000 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और एक जो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो 8% है। तो 8 लगा, परसेंटेज आने का 100 नीचे है, 8% अगर हम निकाल देते हैं तो जो इसका 600 का, सॉरी 6,000 का 8% इसका 480 आ जाएगा। 480, 480 एक साल का ब्याज हो गया। और यहाँ पे 21 पूछ रहा है, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 21 माइनस करेंगे 24 में से तो 3 बचेगा। तो 480 जो है एक साल का ब्याज है, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जब हम इसको 12 से अगर हम भाग दे देते हैं तो 40 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 40 रुपये हर एक साल का ब्याज है, तो 40 × 9 अगर कर देते हैं तो 9 × 36, 360 रुपये 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब 480 जो है 360 में प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको 840 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक व्यक्ति को 7,500 रुपये जो मूलधन है उस पर 2 वर्ष बाद जो 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले दो टाइप से, सबसे पहला टाइप है कि 7,500, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है दोस्तों वो बढ़ता नहीं है, उसका जस्ट जैसे एक साल में 7% है तो अगले साल वो फिर से 7% लेगा, और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के वो 14 हो जाए। तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज पूछा जा रहा है, तो इसमें हम 14 इसका अगर 14% इसका निकाल देते हैं तो डायरेक्ट इसको जब हम कटेंगे तो 14 × 75 करते हैं, तो यहाँ पे 14 × 75 अगर करते हैं तो 1,050 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1,050 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अब हमको मिश्र धन ब्याज कर बताना है, तो 7,500 तो पहले से दिया गया है, और 1,050 को इसमें और जोड़ देंगे तो ये 8,550 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कितने समय में 12,500 की जो राशि है वह जो अमाउंट है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये कितने समय में हो गए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पूछ क्या रहा है 20,000 की, तो 20,000 के लिए सबसे पहले आपको 20,000 लिखना है ऊपर में, 20,000 में से 12,500 को माइनस कर देना है, तो 20,000 जो है उसमें से 12,500 को आप माइनस कीजिए, तो 7,500 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। 7,500 रुपये का अब हम क्या करेंगे, जो 8% है वो उसका 12,500 का हम 8% निकाल देते हैं, तो 8% निकालेंगे तो 1,250 गुणते 8 करेंगे, यानी 1,250 गुणते 8 बराबर जो 1,000 रुपये यहाँ पे आएगा देखने को। अब 1,000 जो है एक साल का है, इसमें 7.5 का इंटू कर देंगे तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो 7,500 रुपये का ब्याज हमको 750 जो है 7.5 साल में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से,
9,500 की राशि पर साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में मिश्रधन 11,780 रुपये प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस अपनाना है, माइनस करना है कितना रुपए का ब्याज चाहिए। तो अगर 11,780 में से 9,500 का माइनस अगर करते हैं तो 2,280 रुपये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राशि जो है 9,500 का 8% अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 760 मिल जाएगा। और 760 का जस्ट 3 गुना होता है दोस्तों 2,280। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।